दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें। वे लोग जो सामान्य जिंदगी जीते हैं वह बड़े भाग्यशाली होते हैं। इसीलिए हम सभी लोगों को ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसा ही आशीर्वाद हम लोगों पर उनका बना रहे। लेकिन इस दुनिया में कई ऐसे लोग भी जी रहे हैं जिनकी जिंदगी असामान्य है, फिर भी वे लोग हमारी तरह ही जिंदगी से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कष्ट हमसे ज्यादा लेकर। यह खास लोग हमारे बीच ही रहते हैं पर कहीं ओझल से होकर, और इसीलिए जितना हो सके हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसे ही खास लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चाइना के हेनान प्रांत में लिल्लू गांव में एक महिला रहती है जो इस दुनिया में सबसे खास है। कुदरत ने इस महिला की माथे पर सींगे उगा दी है जिसे देख कर कोई भी चौंक जाता है, लेकिन फिर भी यह हर देर हर काम करती है और अपना घर चलाती है। कई बार तो उन्हें देखकर कोई उन्हें काम भी नहीं देना चाहता, फिर भी वह हिम्मत आज तक नहीं हारी है। त्रिदेविल नाम की एक महिला ने अपने शरीर से छेड़खानी कर अपने 3 स्तन करवा लिए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उन्होंने इस नकली स्तन को बीच में सर्जरी के द्वारा लगवाया है, जिसके लिए उन्होंने करीबन 70 लाख रुपए का खर्चा किया है। इसके बाद उनके परिवार वालों ने उन्हें घर से बेदखल कर दिया है। बेबी कैंग कैंग का जन्म 2 चेहरों के साथ हुआ है और इसे डॉक्टरों की भाषा में ट्रांसवर्ज फेशियल क्लेफ्ट कहते हैं। इस बच्ची को देखकर ऐसा लगता है कि इसने अपने चेहरे पर कोई दूसरा मास्क लगाया हुआ है। इस बच्ची के इलाज में अब तक करीबन 2 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। एक चाइनीज बच्चे का जन्म 15 अंगुलियों के साथ और 16 अंगूठों के साथ हुआ है। इस बच्चे ने अभी तक कई सारी दर्द भरी सर्जरियां झेली हैं, जिसमें अभी तक इसका सफल इलाज नहीं हो पाया है, लेकिन डॉक्टरों ने अभी भी हार नहीं मानी है और इसे उम्मीद है कि जल्दी वह इसका इलाज करने में पूरी तरीके से सफल हो जाएंगे। यह कलाकार इस दुनिया का सबसे अनोखा कलाकार है, लेकिन इसे कभी ख्याति नहीं मिल पाई, तो इस आदमी ने कुछ ऐसा कर दिखा दिया जिससे अब पूरी दुनिया इसे जानती है और लोग इसके साथ तस्वीर लेते हैं। दरअसल 61 साल की उम्र में इस ताकतवर कलाकार ने सर्जरी के द्वारा कृत्रिम रूप से असली कान बनवाया है और उसे अपने हाथों में लगवा लिया है, लेकिन इस कान के जरिए यह कुछ सुन नहीं सकता, लेकिन दुनिया में अलग पहचान जरूर हासिल कर ली है। आज हम आपको प्राचीन मिस्र के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको शायद ही पता होगी। प्राचीन मिस्र के लोग मौत के बाद की जिंदगी पर बहुत चिंतन करते थे। उनका मानना था कि मौत केवल एक पड़ाव है जिसके बाद जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है। यही कारण था कि जब उनकी मृत शरीर की ममी बनाई जाती थी तो उसके साथ एक आम दिनचर्या में काम आने वाली सारी चीजें भी रख दी जाती थीं। लेकिन मिस्र की हर इंसान की ममी नहीं बनाई जाती थी, केवल मिस्र के फिरौन यानी कि जमींदार या राजा और अमीर लोगों की ही ममी बनाई जाती थी। मिस्र के लोगों का मानना था कि पुनर्जन्म संभव तो है, लेकिन उसके लिए मानव शरीर एक सही अवस्था में होना चाहिए, इसलिए वह शरीर को दफनाने की बजाय उसकी ममी बना देते थे। आपको बता दें कि प्राचीन मिस्र में किसी मुर्दा शरीर की ममी बनाने के लिए सबसे पहले उसके अंदरूनी अंग निकाल दिए जाते थे और उनका दिमाग उनकी नाक से निकाला जाता था, लेकिन कभी भी दिल को नहीं निकाला जाता था क्योंकि वह लोग दिल को आत्मा का प्रतीक मानते थे। निकाले गए अंगों को मम्मी के साथ अलग अलग उपकरणों में रख दिया जाता था। उनके नौकरों को भी उनके राजाओं के साथ ही दफना दिया जाता था। मिस्र में उनके राजाओं के मरने के बाद
उनके नौकरों को भी उनके साथ जबरदस्ती मारकर दफना दिया जाता था। प्राचीन मिस्र के चित्रों में यहाँ के फिरौन को पतला और तंदुरुस्त दिखाया जाता है, लेकिन ममी के ऊपर किए गए परीक्षण के बाद यह बात सामने आई है कि उसकी कमर चौड़ी होती थी क्योंकि उनकी खुराक में शराब, बियर और ब्रेड और भी ज्यादा मीठे मीठे पदार्थ होते थे, जिनकी वजह से ज्यादातर फिरौन को डायबिटीज हो जाती थी। पिरामिड गुलामों ने नहीं बनाए थे जैसा कि हॉलीवुड फिल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन यह बात बिल्कुल भी सच नहीं है। और किलोज द्वारा की गई खोज बताती है कि पिरामिड में काम करने वाले लोग कलाकार थे और उनको इस काम के लिए सही वेतन भी मिलता था। प्राचीन मिस्र में 2000 से ज्यादा देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। उनका हर भगवान जिंदगी में किसी न किसी हिस्से से जुड़ा हुआ होता था, जैसे जीवन देने वाला भगवान अलग होता था और शरीर देने वाला भगवान अलग होता था। वह लोग राक्षस और भूत पिशाच पर भी विश्वास करते थे। उनका मानना था कि राक्षस इंसान से तो ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन भगवान से ज्यादा ताकतवर नहीं होते। मिस्र के लोग विज्ञान और मैथ के भी अच्छे जानकार थे। उन्हें स्मारक बनाना भी आता था और उन्होंने मेडिसिंस फॉर कॉस्मेटिक्स का अपना ही एक कैलेंडर बनाया हुआ था। एक इतिहासकार के अनुसार एक चिकित्सक सिर्फ एक ही बीमारी का विशेषज्ञ हुआ करता था और उससे संबंधित ही इलाज करता था, और उनके पास हर बीमारी के लिए एक अलग चिकित्सक हुआ करते थे। उस समय सारी दुनिया में महिलाओं को मर्दों से कमतर समझा जाता था, लेकिन मिस्र में उन्हें मर्दों के बराबर ही अधिकार दिए गए थे। मिस्र की महिलाएं जमीन खरीद सकती थीं और जज भी बन सकती थीं और अपनी वसीयत तक लिख सकती थीं। अगर वह घर से बाहर काम करती थीं तो मर्दों के बराबर ही उन्हें वेतन मिलता था और उनको तलाक देने का भी हक था। महिलाओं ने मिस्र के साम्राज्यों को भी कई बार संभाला और मिस्र पर राज भी किया है। सन 400 से 80 के बीच मिस्र के ज्यादातर लोग ईसाई धर्म के अनुयायी थे, लेकिन 10वीं सदी के मध्य में मुसलमानों का मिस्र पर बहुत बड़ा आक्रमण हुआ और फिर उन्होंने वहां के सभी ईसाई लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया। इसके बाद मिस्र की कॉप्टिक भाषा की जगह दही अरबी भाषा ने ले ली। मिस्र के निवासी बालों से सख्त नफरत करते थे और इसी कारण वह शरीर पर एक भी बाल नहीं रखते थे। प्राचीन मिस्र में मेकअप का भी अपना ही एक चलन था। जहां आज के जमाने में सिर्फ महिलाएं ही मेकअप ज्यादा करती हैं, वहीं प्राचीन मिस्र में पुरुषों का मेकअप सबसे ज्यादा हुआ करता था। मानते हैं कि आंखों में काला सुरमा लगाने से सूर्य की किरणों, मक्खियों और हानिकारक संक्रमण से बचाए रखता था, और वह लोग सुंदरता के साथ साथ धर्मों से भी काफी प्रेरित थे। मकड़ियों से आपका सामना कई बार हुआ होगा, लेकिन क्या आपने कद्दू जितनी बड़ी मकड़ी को देखा है? अगर नहीं तो देखिए दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी। ऑस्ट्रेलिया में एक महिला ने अपने घर के बाहर एक मकड़ी को देखा तो वह देखती ही रह गई, क्योंकि यह कोई सामान्य मकड़ी नहीं थी, बल्कि इतनी बड़ी थी कि आपका चेहरा अपने पैरों से ढक देगी। यूं तो मकड़ियों को देखकर हम सभी को डर लगता है, लेकिन जब इतनी बड़ी मकड़ी सामने हो तो कोई भी इंसान जो कहे कि मुझे मकड़ी से डर नहीं लगता, वह भी डर जाए। महिला ने तुरंत अपना कैमरा निकाला और इस मकड़ी की तस्वीर को कैद कर लिया। इस मकड़ी के पैर 20 सेंटीमीटर से भी ज्यादा लंबे थे। ऑस्ट्रेलिया के एक म्यूजियम के अनुसार जायंट ग्रीन हंट्समैन स्पाइडर इस मकड़ी का नाम बताया जा रहा है। इस प्रजाति की मकड़ी काफी कम ही देखने को मिलती है। दुनिया के लिए इतनी बड़ी मकड़ी मिलना हैरान कर देने वाली घटना है। दोस्तों, आज के भाग में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। आशा करता हूं कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।